everyone, I am Krupa and today I am again here for the new session of our learning videos for English. So, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कभी कभी क्योंकि मैंने ये notice किया है कि कुछ लोग कुछ words जो होते हैं वो गलत तरीके से बोलते हैं तो उसका pronunciation क्या होता है, सही pronunciation क्या होता है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ. और ये जो pronunciation वाला chapter है वो जो हम लोगों ने साइलेंट वर्ड वाला किया था उससे थोड़ा अलग है. वो साइलेंट वर्ड में तो हम गलत तरीके से प्रोनंस करते ही थे, पर ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो साइलेंट लेटर वाले नहीं है बट फिर भी हम उसका गलत तरीके से प्रोनंस करते हैं. जैसे कि मैं आपको अभी बताऊंगी, फर्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है वेयर. वेयर, डब्ल्यू ई ए आर, वेयर. अब वेयर का मतलब होता है कि पहनना. जो हम कपड़े पहनते हैं या जूते पहनते हैं या अगर हम लोग मेकअप भी करते हैं तो वी से वी वेयर लिपस्टिक. ओके, सो हम लिपस्टिक लगाने को क्या बोलेंगे, अप्लाई लिपस्टिक या तो फिर वेयर अ लिपस्टिक, हम ऐसा बोल सकते हैं. वेयर का मतलब होता है पहनना, पर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं वियर, वियर बोलते हैं, पर वियर वर्ड पूरा गलत है. वियर ऐसा कोई वर्ड नहीं है, उसको हम प्रोनंस करेंगे वेयर. अब आप सोचोगे कि वेयर तो वो होता है कि कहाँ, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर. नहीं, वो अलग है, ये अलग है. वेयर, डब्ल्यू ई ए आर का मतलब होता है वेयर, मतलब कि पहनना. मैं उसके ऊपर से आपको एक सेंटेंस भी बना के दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि उसका सेंटेंस में आप कैसे उपयोग करेंगे. ठीक है, तो मैं आपको सेंटेंस उसको बताती हूँ. शी लाइक्स टू वेयर अ साड़ी ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन्स. मतलब इसका मतलब क्या होता है कि शुभ प्रसंगों में वह साड़ी पहनना पसंद करती है. पहनना, साड़ी पहनना, लाइक्स टू वेयर. ओके, तो वियर नहीं, वेयर. ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एस्प्रेसो. एस्प्रेसो, एस्प्रेसो मतलब वो जो कॉफ़ी होती है ना, एक काइंड ऑफ अ कॉफ़ी, एस्प्रेसो. हम कभी कभी उसका गलत जो प्रोनंसिएशन है वो क्या करते हैं, एक्सप्रेसो. एक्सप्रेसो नहीं है, उसमें कहीं भी एक्स नहीं है. एस्प्रेसो की स्पेलिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ ई एस पी आर ई डबल एस ओ, एस्प्रेसो. उसका प्रोनंसिएशन हम ऐसे ही करेंगे. तो मैं उसको आपको सेंटेंस में आपको बताती हूँ हम क्या उसका, कैसे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज इट. सो द सेकेंड सेंटेंस इज, आई प्रिफर एस्प्रेसो व्हेनेवर आई गो टू कैफे. मतलब जब भी मैं कोई कैफे में जाती हूँ तो मैं एस्प्रेसो लेना पसंद करती हूँ. एस्प्रेसो, अ काइंड ऑफ अ कॉफी. ओके, यू मस्ट ऑल नो दैट व्हाट इज एस्प्रेसो, बट उसका प्रोनंसिएशन आप एक्सप्रेसो करते हो, तो वो एक्सप्रेसो नहीं है, एस्प्रेसो है. आई होप फ्रेंड्स यू आर रिपीटिंग आफ्टर मी, क्योंकि अगर आप लोग रिपीट नहीं करेंगे या तो फिर बोलने की प्रैक्टिस जब तक आप लोग खुद से नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें आएगी नहीं और आप लोग सीख नहीं पाएंगे. और जितना आप लोग बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश बोलना पसंद करेंगे या तो आपकी बातों में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आप उसमें ऐड ऑन करेंगे आपकी लैंग्वेज में, तो वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगा. छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट कीजिए और फिर आपको आदत हो जाएगी. तो हमारा नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, दैट इज़ स्ट्राइप्ड. दैट इज़ स्ट्राइप्ड. स्ट्राइप्ड का मतलब होता है जो पट्टी पट्टी वाला होता है या तो फिर वो लाइन लाइन वाला होता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्राइप. अब कि कोई कोई लोग इस चीज़ को क्या प्रोनंस करते हैं गलत तरीके से, वो है स्ट्रिप्ड. इट्स नॉट स्ट्रिप्ड, इट्स स्ट्राइप्ड. ओके, इसका मतलब होता है जो लाइनिंग वाला होता है वो, ब्लैक एंड वाइट लाइनिंग वाला हो या शायद आपके पास हो भी ब्लैक एंड वाइट लाइनिंग वाला टॉप या तो फिर कुछ भी. ओके, सो उसको बोलेंगे स्ट्राइप्ड. अब मैं इसका सेंटेंस आपको बताती हूँ. ही इज वेयरिंग अ ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्ड टी शर्ट. ओके, मतलब क्या होता है इसका कि उसने ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्ड वाला टी शर्ट, पट्टियों वाला टी शर्ट पहना हुआ है. ओके, इसका मतलब ये होता है. अब स्ट्राइप्ड, कभी कभी हम स्ट्रिप जो बोलते हैं, स्ट्रिप्स मतलब कि पट्टियाँ, स्ट्रिप्स हम बोल सकते हैं, पर जब हम
बोलेंगे स्ट्राइप्ड टॉप या तो फिर स्ट्राइप्ड बेडशीट या ऐसा कुछ, ठीक है, तो उसका प्रोनंसिएशन करेंगे नॉट स्ट्रिप्ड, इट्स स्ट्राइप्ड. ओके, आई होप यू आर लर्निंग इट एज वेल एंड यू आर रिपीटिंग आफ्टर मी एज वेल. सो द नेक्स्ट वर्ड इज हॉल. अब ये जो वर्ड है हॉल, HALL, हॉल, अब कभी कभी लोग इसका प्रोनंसिएशन का क्या करते हैं, होल, इसका प्रोनंसिएशन होल करते हैं. सो वो पूरी तरीके से गलत है. हॉल का मतलब क्या होता है, जो बड़ा सा एक कमरा रूम होता है जहाँ पे जैसे कि बैंक्वेट हॉल्स होते हैं या कम्युनिटी हॉल्स होते हैं जिसमें शादी वगैरह का ओकेजन्स होते हैं, तो वो होता है हॉल. तो कुछ लोग उसको प्रोनंस करते हैं होल. एक बड़ा सा होल था, हम लोग सब वहाँ पे खाने गए थे. सो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग. यू कैन नॉट यूज़ इट एज होल, यू कैन प्रोनंस इट एज हॉल. ओके, सो इसका मैं आपको सेंटेंस में भी आपको यूज़ करके दिखाऊंगी. तो मैं बताती हूँ सेंटेंस क्या है. द फंक्शन इज एट कम्युनिटी हॉल. कम्युनिटी हॉल नहीं है, कम्युनिटी हॉल मतलब कि फंक्शन कम्युनिटी हॉल में है. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज, अब ये यहाँ पे आ रहा है होल. होल होल मतलब कि पूरा, पूरा मतलब कि जैसे कि पूरा बंच है, हम ये बोलना चाहते हैं तो हम बोलेंगे होल बंच. हम अगर बोलना चाहते हैं पूरा क्लास तो हम बोलेंगे होल क्लास. पूरा मतलब कि सब लोग, सब उसमें शामिल हो जाते हैं, जितने भी हैं सब, सब कुछ उसमें शामिल हो जाता है. होल मतलब कि पूरा. सो कुछ लोग इस होल को प्रोनंस करते हैं हॉल. सो दैट इज़ रॉन्ग. अगर आप बोलना चाहते हैं कि पूरा, तो होल है वो, हॉल नहीं है. जैसे कि मैं आपको इसका एग्जाम्पल आपको अगर बताऊँ तो ये होता है कि द होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. मतलब कि पूरी दुनिया मौक़ों से भरी हुई है. मतलब कि पूरी दुनिया में बहुत सारे मौके होते हैं आपको सक्सेसफुल होने के लिए. तो द होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. पूरी दुनिया मौक़ों से भरी हुई है. जैसे होल, अगर आपको वापस अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग ऐसे कभी कभी बोलते हैं होल व्हीट ब्रेड. जैसे ब्रेड होता है पूरा, होल व्हीट का मतलब होता है कि वो पूरा गेहूं के आटे से बना हुआ है, ना कि मैदे से. होल व्हीट मतलब कि पूरा गेहूं का. ओके, सो आपको आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन बाय होल. ओके, एंड यू नॉट टू, यू डोंट प्रोनंस इट एज हॉल, इट इज होल. ओके, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एज होल मतलब कि पूरा. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग अगेन रिलेटेड टू दिस थिंग. अब ये जो है होल, उसका मतलब होता है कि HOLE, होल का मतलब होता है कि छेद. छेद मतलब कि जैसे कोई कपड़े में छेद हो गया तो हम बोलेंगे कि देर इज़ अ होल इन योर क्लोथ्स. ओके, तो अब इस होल को हम लोग बोलते हैं हॉल. तेरे कपड़ों में तो हॉल है, ये हॉल गलत है. ओके, सो यू कैन नॉट से इट लाइक हॉल, इट इज़ होल. होल मतलब कि छेद. अब इसका वो वाला जो होल था जो मैंने आपको बताया कि पूरा, तो उसका उसका जो स्पेलिंग है वो थोड़ा अलग है. वो है WHOLE, यहाँ पे आप देख सकते हैं. और ये छेद वाला जो होल है उसको बोलेंगे HOLE. पर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेलिंग्स की नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोनंसिएशंस की. तो हम प्रोनंसिएशन इसका क्या करेंगे, होल ना कि हॉल. ओके, सो हम उसको सेंटेंस में कैसे बोलेंगे. सो यू कैन से इट लाइक दैट, द होल इन द बोट मेड इट सिंक. मतलब कि बोट में जो छेद था उसकी वजह से बोट डूब गई. द होल इन द बोट मेड इट सिंक. सिंक का मतलब होता है डूब जाना, वो तो आपको पता ही होगा सबको. तो बोट के डूबने का कारण था बोट में जो छेद था वो. तो होल का मतलब होता है छेद. ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज क्लैरिटी. क्लैरिटी, अब कभी कभी मैंने ये सुना है कि क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्टता. स्पष्टता हम लोग उसको बोलेंगे क्लैरिटी.
अब कभी कभी मैंने ये सुना है कि लोग बोलते हैं क्लियरिटी, तो वो पूरी तरीके से गलत है। हाँ, हम क्लियर जो बोलते हैं, क्लियर मतलब कि स्पष्ट, तो वो एक क्लियर वर्ड हो गया। बट आप उसको अगर एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं, एज एन एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं उसको क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब कि क्लैरिफाई करना, उसको स्पष्टता करना। ओके, सो क्लैरिटी प्रोनंसिएशन है, क्लियरिटी नहीं है। मैं आपको उसको सेंटेंस में यूज़ करके दिखाती हूँ, प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी। ओके, देन यू ओनली यू विल गेट टू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, सो द सेंटेंस इज, यू मस्ट हैव द प्रॉपर क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। क्लैरिटी, आपको आपके सब्जेक्ट, आपको आपके विषय का पूरा नॉलेज, पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। आपको आपके विषय की पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। यू मस्ट हैव द क्लैरिटी, प्रॉपर क्लैरिटी ऑफ योर सब्जेक्ट। ओके, सो क्लैरिटी नॉट क्लियरिटी। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है, नेक्स्ट वर्ड इज एफर्ट्स। अब इस वर्ड को लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं पता है? इस वर्ड को लोग बोलते हैं एफोर्ट्स, एफोर्ट्स, इट्स नॉट एफोर्ट्स। भले ही उसमें ओ आ रहा है स्पेलिंग में, बट द प्रोनाउंसिएशन इज एफर्ट्स, एफर्ट्स। ओके, एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? प्रयत्न करना, कोशिश करना। ओके, सो आपका मैं इसका सेंटेंस बताऊंगी। सेंटेंस है, शी डीड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू गेट एडमिशन इन दैट कॉलेज। मतलब उसने उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत प्रयत्न किए, बहुत कोशिशें की, एफर्ट्स। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज अलार्म, अलार्म, नॉट अलार्म, अलार्म नहीं, अलार्म। इट्स वहाँ पे अलार्म बोला जाता है, लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको अलार्म या तो फिर अलार्म, ऐसे गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या है? अलार्म। ओके, सो अलार्म को तो अलार्म तो सब जानते ही, जो मतलब आपको संकेत देता है, घड़ी में आपको संकेत देता है, आपको जल्दी उठना है तो आप अलार्म लगा के रात को सो जाते हैं, तो दैट इज अलार्म। बट इसका आपको मीनिंग तो पता ही है, बट मैं आपको यहाँ पे उसका प्रोनंसिएशन प्रॉपरली बताना चाहती थी कि वो है अलार्म, नॉट अलार्म और या तो फिर अलार्म, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स अलार्म। ओके, सो इसको हम सेंटेंस में देख लेते हैं। सेंटेंस इज आई हैव सेट द अलार्म एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मतलब कि मैंने सुबह 5 बजे का अलार्म सेट कर दिया है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड दैट यू प्रोनाउंस समटाइम्स, डीफ, डीफ प्रोनाउंस करते हैं, DEAF, डीफ प्रोनाउंस करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन है डेफ, नॉट डीफ, डेफ। डेफ का मतलब होता है बहरा, कानों से जिसको सुनाई नहीं देता है वो, ठीक है। तो हम प्रोनाउंस क्या गलत करते हैं? डीफ, पर उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? डेफ। ओके, मैं आपको सेंटेंस में आपको बताऊंगी तो समझ में आएगा। ही इज डेफ, ही कैन नॉट हियर यू। मतलब कि वो बहरा है, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, डेफ। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज वैले, वैले। अब यहाँ पे आप उस इसको साइलेंट लेटर में भी गिन सकते हैं, पर लोग क्या इसको प्रोनाउंस करते हैं? वैलेट, वैलेट नहीं है। इसका प्रोनाउंसिएशन सही से क्या है? वैले, वैले। मतलब कि जो बेल बॉय होता है, या तो फिर हम लोग कभी कभी जो बड़ी बड़ी होटल्स में जाते हैं, 5-star होटल्स में, तो हमारी कार पार्क करने के लिए कुछ आदमी रखे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं वैले। वहाँ पे लिखा होता है वैले पार्किंग अवेलेबल, तो इसको बोलते हैं वैले, नॉट वैलेट। ओके, सो मैं इसका आपको सेंटेंस में बताती हूँ। गिव योर कार कीज टू द वैले बॉय। मतलब कि आपकी कार कीज वैले बॉय को दे दीजिए। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज बोल। अब बोल का बोल, BOWL, बोल, हम लोग इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? बाउल। सो दिस इज टोटली इनकरेक्ट, बाउल नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बोल। बोल मतलब कि जो हम कटोरी यूज करते हैं वो। सो इसका मैं प्रोनाउंस, इसका सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ।
Put the bowl in oven. Oven नहीं oven. कटोरे को oven में रखो. रखे. ठीक है. तो ये easy है. Sentences भी मैं इतने easy रख रही हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में भी आ जाए और आप भी उसको repeat कर सके और आप भी बोलने की practice कीजिए. ठीक है. जितना आप बोलने की practice करेंगे, जितना आप वो सीखेंगे और मैं यहाँ पे subtitles भी इसीलिए यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आपको देख देख के भी शायद आपको मैं जो बोल रही हूँ वो शायद ना सुनाई दे या गलत सुनाई दे, तो आप वो रीड करके भी वो आप सही तरीके से प्रोनंस कर सकते हैं या तो सुन के सही तरीके से प्रोनंस कर सकते हैं. आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं ताकि आपकी लर्निंग जो है वो जल्दी हो पाएगी. ठीक है. तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फ्रिज. अब फ्रिज मतलब हम सबको पता है रेफ्रिजरेटर, सबको पता है, पर हम उसका प्रोनंसिएशन क्या करते हैं बताएं? इसका प्रोनंसिएशन हम करते हैं फ्रीज. फ्रीज नहीं, फ्रीज जो है, फ्रीज का मतलब क्या होता है? जम जाना, बर्फ जमती है या आइसक्रीम जमती है उसको बोलेंगे फ्रीज. पर ये जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका प्रोनंसिएशन क्या होता है? फ्रिज. फ्रिज इसका स्पेलिंग भी थोड़ा अलग है, फ्रीज का स्पेलिंग अलग है, फ्रिज का स्पेलिंग अलग है जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका. तो हम अब से क्या बोलेंगे? फ्रिज, ना कि फ्रीज. ओके. क्योंकि दोनों का मतलब अलग अलग हो जाता है. अगर आपको बोलना है कि ये चीज़ फ्रिज में रखो तो आप फ्रिज बोलना, फ्रिज नहीं. जैसे मैं आपको अभी उसका सेंटेंस भी बताती हूँ कि प्लीज पुट द आइसक्रीम इन फ्रिज. आइसक्रीम को फ्रिज में रख दीजिए मेहरबानी करके. ठीक है. क्योंकि वो पिघल जाती है ऑब्वियसली. तो मैंने सेंटेंस इजी रखा है पर मेन मेरा मोटिव इसमें ये है कि आप जो वर्ड्स है उसको सही तरीके से प्रोनंस करना सीख जाए जल्दी से. ठीक है. अब लास्ट जो वर्ड है मेरी लिस्ट में वो है कार्टन. कार्टन क्योंकि हम लोग क्या प्रोनंस करते हैं उसको? कार्टून. कार्टून जो टीवी में आता है टॉम एंड जेरी, छोटा भीम, वो सब कार्टून की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ कार्टन. कार्टन मतलब कि बड़ा सा बक्सा जो जैसे पुट्ठे का होता है, कार्डबोर्ड का एक बड़ा सा बक्सा होता है उसको बोलेंगे कार्टन, नॉट कार्टून. इट्स ऑल डिफरेंट थिंग. ओके. सो कार्टन क्या यूज़ में आता है? जो हम अपना अगर सामान शिफ्ट कर रहे हैं या तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं हमने उस कार्टन में बॉक्स में रखी हुई है तो हम उसको बोलेंगे कार्टन. ओके. सो कार्टन उसके लिए चलो मैं एक सेंटेंस आपको बताती हूँ कि लेट्स पुट ऑल द थिंग्स इन दिस कार्टन टू शिफ्ट इट. मतलब कि चलो हम ये सारी चीज़ें ये कार्टन में रख देते हैं ताकि हम उसको शिफ्ट कर सकें. शिफ्ट करना मतलब कि एक चीज़ से एक जगह से दो जगह दूसरी जगह तक हम लोग ले जा सकते हैं उसको बोलेंगे शिफ्टिंग. ठीक है. तो लेट्स शिफ्ट ऑल द थिंग्स इन दिस कार्टन. ओके. मतलब कि हम लोग सारी चीज़ें कार्टन में रख के उसको शिफ्ट करेंगे. ठीक है. सो आई होप फ्रेंड्स यू फाइंड दिस वीडियोज़ वेरी लर्निंग एंड आई होप कि आप कुछ सीखें. मतलब कि आपको ये सब आता है बट आप उसका प्रोनंसिएशन सही तरीके से करना सीखें. और मैं ये भी चाहती हूँ कि आपको अगर ये वीडियोज़ बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको ये वीडियोज़ अगर एजुकेटिव लग रहे हो तो प्लीज़ 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 मुझे उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. क्योंकि आप लोग जब लाइक शेयर सब्सक्राइब या तो कोई भी कमेंट करोगे तो आप मुझे इतना अच्छा लगेगा. हाँ, मुझे भी अंदर से मोटिवेशन मिलेगा. चलो आप कुछ सीख रहे हो और मुझे भी नए नए वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा. सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स. और सब्सक्राइब जब भी करते हो तो प्लीज़ बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर जो वीडियोस नेक्स्ट में बनाऊंगी आपके पास आएगा नहीं. अगर आप बेल बटन दबाते हो तो क्या हो जाएगा कि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. बाय बाय.